तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं। कि इसमें बेसिकली क्या है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार 2023 में पूछे गए हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, थियोरी आपको सही होनी चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ लाइट यूज। तो क्या अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक पे पढ़ाई करता हूँ, तो क्या मैं जो ये मेटल का सरफेस है, अगर ये मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे यहाँ से जो फोटोन आ रहा है, जो पार्टिकल आ रहा है, वहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो निकल रहा है। तो इसमें कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ लाइट। ठीक है, पावर ऑफ लाइट जो है, अगर पावर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा यार, पावर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीज होगा, सेचुरेशन करेंट बढ़ेगा, न कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखोगे तो हाफ वी सी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ से तुम देखोगे ये उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जिसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो ये इंटेंसिटी पे थोड़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो डिपेंड नहीं करता, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये डी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता है पावर पे, क्योंकि पावर जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड है। फॉर ए गिवन मेटल, अगर मेटल की बात करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन वेव लेंथ। ऑब्वियसली देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है ओ एच न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैमडा माइनस सी अपन लैमडा नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ से बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट की फोटोन और इंसिडेंट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है बच्चों, वो है अपना सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।